ये हम अभी सुरकोट में है भाई। ये है बेस हॉस्पिटल, सुरकोट का बेस हॉस्पिटल की बिल्डिंग। अच्छा ये पुलिस चौकी है भाई, पीछे जो अभी देखिए वो पुलिस चौकी है, उसके आगे है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल अब आएगा भाई आगे, सुरकोट श्रीनगर गढ़वाल। ये आ गया भाई हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के बाहर है गाड़ियाँ, बेस हॉस्पिटल श्रीकोट। ये है भाई गेट, ये है उसका गेट। गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम श्रीकोट आ चुके हैं सुशील भाई के साथ उनकी यूटिलिटी में, और ख़ासकर मैं व्लॉग बनाने के लिए आया हूँ। जब तक सुशील भाई अपना काम करते हैं तब तक मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप अगर हमारी वीडियो देखेंगे तो आपको तीन फ़ायदे होंगे। हमारी वीडियो आती है सुबह 6 से 7 बजे के बीच। हाँ तो गाइस हमारी वीडियो आती है सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच, और अगर आप कंटिन्यू देखोगे तो आपको जल्दी उठने की एक आदत बन जाएगी। और दूसरा, हमारी वीडियो के आखिरी में वर्ड मीनिंग होते हैं इंग्लिश के बेहतरीन, और जिनको सीखकर आप बेहतरीन इंग्लिश बोलोगे। तो हर व्लॉग में आखिरी में आपको इंग्लिश का एक वर्ड मीनिंग रोज़ सीखने को मिलेगा। अब आगे जो भी सीन रहेगा हम बताएंगे। सुशील भाई अभी गए हैं अपने काम पर, कुछ काम होगा उनको तो फिर वो आएंगे, फिर हम चलेंगे आगे भी, और बने रहिए भाई। ठीक है, नुकसान आपको कोई नहीं है भाई, इस व्लॉग को देखकर फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर यंग पीपल देखें तो आपका बहुत बढ़िया फ़ायदा है, जो भी कुछ सीखना चाहते कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा वीडियो को अगर आखिरी तक आप देखते हैं तो। ठीक है, चलिए शुरू से भी ना देखें लेकिन आखिरी में, खासकर स्कूल जाने वाले बच्चे, आखिरी में ज़रूर देखें। आखिरी का जो वर्ड होगा प्रत्येक व्लॉग का उसको ज़रूर चेक कर लें। ठीक है, वो बहुत नॉलेजेबल व्लॉग बनाएंगे भाई आपके लिए, आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। और ठीक है भाई, इतना ही है, बाकी आगे व्लॉग में। अब हम नदी में जा रहे हैं भाई नदी में डूबने के लिए, कल की बारिश से बहुत ज़्यादा पानी है इसलिए हम डूबना चाहते हैं। देखना पड़ेगा क्या नदी डूबा पाएगी हमें। यह है भाई रुक्कड़ जाने वाली रोड, ख़राब हो रखी है इसलिए हम पैदल आ रहे हैं भाई। संभल संभल के कदम रखते हुए, यह है भाई आगे सुशील भाई चलते हुए हमारे साथ, उन्हीं के साथ आया हूँ मैं आज। ये देखिए भाई, ये है रोक्कड़, श्रीकोट का रोक्कड़, और उधर देखिए भाई वो पुल है श्रीकोट, श्रीकोट से चौरास के जो डिग्री कॉलेज है वहाँ जाने का, और चौरास जाने का मेन पुल यही है भाई। फोर व्हीलर पहले ये, उसके बगल पे टू व्हीलर का, ये भाई ये टू व्हीलर का उसके बगल पे, और उधर मेन जो बड़ा पुल है वो फोर व्हीलर का है श्रीकोट से चौरास जाने का भाई। भाई चलिए रोक्कड़ की तरफ, श्रीकोट में है भाई ये रोक्कड़ है। वाह भाई क्या बेहतरीन सीन बना हुआ है, नज़ारे देखिए भाई आप, नज़ारे मस्त नज़ारा है। ये श्रीकोट के रोक्कड़ में है भाई, ये अलकनंदा नदी पे है, अलकनंदा नदी पे है, क्या बढ़िया है यार, है ना। देखिए भाई देखिए उधर आगे सुशील भाई चल रहे हैं, वाह भाई क्या बेहतरीन सीन बना भाई। यहाँ रोक्कड़ है ये श्रीकोट का, इधर भी देखिए भाई, चलिए भाई चलिए मेरे साथ रोक्कड़ में, मज़ा आ गया भाई। आज का दिन बनाया भाई सुशील भाई ने, उनके साथ आए हम, क्या मस्त सीन है भाई यहाँ का। पहली बार आया हूँ मैं इस रोक्कड़ में, और दूर से देखा था इससे पहले, लेकिन अंदर आकर क्या बढ़िया फीलिंग आ रही है भाई, उम्दा फीलिंग। यह है भाई, इधर पानी जमा हुआ है बिल्कुल, ताला बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए भाई उधर, अब यहाँ से सही दिखेगा क्रिकेट मैच। ये है भाई, इसको बता रहे हैं कि सुशील भाई बता रहे हैं फुल भरा हुआ था पानी से और मच्छियाँ भी थी इसमें, अब ये सूख गया है।
और इसकी सारी मच्छियाँ भी मर गई होंगी। उधर चल रहा है भाई क्रिकेट मैच रेत के ऊपर। यह भाई यह वो तालाब, इस तालाब में थी मच्छियाँ लेकिन अब ये सूख गया है और मच्छियाँ भी मर गई होंगी। जो इसके नज़दीक आए होंगे उन्होंने मच्छियों का जायका उठाया होगा। यह भाई सिरकोट का स्लम एरिया, स्लम एरिया में देखो भाई बच्चों को, बच्चे खेलते हुए। ये देखो भाई कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो? वो देखिए भाई शायद इस झोपड़ी में आग लग गई होगी रात को ना, रात को सोए होंगे, आग जलाई होगी, आग लगी होगी तो ये भाई बाल बाल बचे होंगे इस झोपड़ी में। ये भाई यह भाई सिरकोट का विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, सिरकोट विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की बिल्डिंग है भाई। एक बार आया था मैं यहाँ, मैं एक बार नहीं दो बार आ चुका हूँ वीडियो का एग्ज़ाम देने। यह भाई यह रहा सिरकोट विद्या मंदिर इंटर कॉलेज। ये है भाई सिरकोट हेमंती नंदन बहुगुणा राजकीय बेस टीचिंग चिकित्सालय। अभी बैठे हुए हैं भाई सिरकोट में बेस हॉस्पिटल में। यह है भाई सिटी स्कैन सिरकोट बेस हॉस्पिटल से, 1000 रुपये हैं भाई इसके। एक गरीब आदमी सरकारी हॉस्पिटल में इसलिए आता है कि उसको सस्ता और अच्छा इलाज मिले, लेकिन एक सीटी स्कैन का 1000 रुपये वो भी सरकारी हॉस्पिटल, तो क्या करेगा भाई गरीब आदमी। यह है डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन मातृ एवं शिशु कल्याण कक्ष, जिन ताऊ जी का सीटी स्कैन हुआ है वो इधर गए हैं भाई डॉक्टर के पास। वही कान वाला, उनके कानों में कोई दिक्कत है इसलिए नाक कान और गला जमी से ही पढ़ेंगे भाई। नाक कान और गले वाले स्पेशलिस्ट डॉक्टर को क्या कहेंगे इंग्लिश में, ठीक है? चाय की चुस्कियाँ देते हुए भाई सिरकोट में। यहाँ पर आगे रेलवे की सुरंग आएगी भाई, ऋषिकेश कर्णप्रयाग वाली रेलवे उसका सुरंग, धारी देवी से थोड़ा पहले फरासू में भाई डूंगरी पंथ के नीचे, इसके थोड़ा सा आगे धारी देवी है।
आज का वर्ड है भाई अल्ट्रुइस्ट, ALTRUIST, अल्ट्रुइस्ट। लेट मी हेल्प यू, लेट मी हेल्प यू। इसको पढ़कर आपको पता चल जा रहा होगा कि अल्ट्रुइस्ट किसको बोलते हैं। ठीक है, अल्ट्रुइस्ट उसको बोलते हैं हु इज़ इंटरेस्टेड इन वेलफेयर ऑफ अदर। ठीक है, ये भाई यू हैव डिस्कवर्ड द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस कंसर्निंग योअर सेल्फ विद द वेलफेयर, मतलब भलाई, वेलफेयर ऑफ अदर, अदर अन्यों की, दूसरों की भलाई के बारे में जो सोचता हो। ठीक है, अपनी परवाह के बिना जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचता हो उस इंसान को क्या कहेंगे? अल्ट्रुइस्ट है। अल्ट्रुइस्ट कौन है? हु इज़ इंटरेस्टेड इन वेलफेयर ऑफ अदर्स। वेलफेयर मतलब खुशहाली, किसी की भलाई या खुशहाली के बारे में जो सोचता हो उसको क्या कहेंगे? अल्ट्रुइस्ट। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसको दोहराते रहो भाई, पिछले वाले वर्ड भी याद करते रहना, उनको भी देखना भाई वापस जाकर। ठीक है, और इसी प्रकार मिलेंगे आगे।